वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है, या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है, या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17-17 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024-25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेके 16 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है, नहीं देखा तो जा क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, पहले क्वेश्चन नंबर 17 को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2023 वॉज एज फॉलोज। कहने का मतलब है कि 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है, 5, 3, 8, 8, 2, 10 यानी 5/10, 3/10 और 2/10 में, और 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए हैं। क्या क्या सुन लीजिए, क्रेडिटर्स है 15,000, एक्स का कैपिटल 46,000, वाई का 34,000 और जेड का कितना 25,000, सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया 105,000 टोटल जोड़ा लायबिलिटी साइड में तो 120,000। फिर क्या है आपका देख लीजिए, कैश एट बैंक है 27,000, डेटर्स कितने का है 16,000 का, डेटर्स है 16,000 का, इसमें प्रोविजन फॉर DD, अब बोलेंगे DD क्या है, डाउटफुल डेट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 800, यानी 16,000 में 800 डाउटफुल डेट्स है, तो फाइनली डेटर्स कितना माना जाएगा 15,200, स्टॉक है 12,800, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका 30,000, टोटल जोड़ा कितना आ गया 120,000। अब देखिए बहुत सारा क्या है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से पहले समझिएगा। बोलता है ऑन द सेम डेट वाई रिटायर्स, कौन फॉर्म से रिटायर हो रहा है आपका वाई, कौन फॉर्म से रिटायर हो रहा है आपका एक्स वाई, यानी वाई मान के चलिए, ये वाई क्या हो रहा है मेरा फॉर्म से क्या हो रहा है आपका रिटायर, एक्स वाई जेड, तो आपका वाई क्या हो रहा है फॉर्म से रिटायर्स हो रहा है। एंड एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली, तो 3:1:4 तो आपका 3/4, 1/4, यानी वाई के रिटायर होने के बाद आपका ये जो एक्स है एक्स और कौन है आपका ये जेड, एक्स जेड किस रेशियो में बांटेगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में, ठीक है जी। उसके बाद बोलता क्या है आपका और भी फ्लोइंग एडजस्टमेंट वेयर एग्रीड अपॉन डैट, अब क्या क्या एडजस्टमेंट हो रहा है वाई के रिटायरमेंट किस में वो समझिए। सबसे पहले बोलता है एन अमाउंट ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन सन्डरी डेटर्स वी रिटेन ऑफ एज नो लॉन्गर इज वेबल, ध्यान समझिएगा, ये आपका डेटर्स कितने का है 16,000 का, डेटर्स कितने का है 16,000 का, तो इस 16,000 में ₹1200 आपका एक अमाउंट शामिल है, मतलब 16,000 में 1200 का एक अमाउंट शामिल है जो मिलने वाला नहीं है, तो एक तरह से क्या हो गया आपका बैड डेट्स, क्या हो गया बैड डेट्स, टोटल डेटर्स कितने का 16,000 का। और बोलता है क्या है कि 16,000 में ₹1200 जो इंक्लूडेड है संडी डेटर्स में वो मिलने वाला नहीं है, तो आपका क्या हो गया आपका बैड डेट्स हो गया जी, ठीक है। उसके बाद एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, ठीक है। फिर बोलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट, ध्यान समझिएगा यही पे क्या है आपका कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसको एडजस्टमेंट कर ही देते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ नहीं करना है, प्रिपेयर रिवैल्युएशन अकाउंट, मतलब रिवैल्युएशन अकाउंट ही क्या करना है इस क्वेश्चन में बनाना है, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए मैंने लिखा क्या है सॉल्यूशन नंबर 17 रिवैल्युएशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ और यहाँ पे रिवैल्युएशन अकाउंट में पोस्टिंग करते चला जाता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है आपका कि सन्ड्री डेटर्स में, देखिए यहाँ पे डेटर्स लिखा है ना, ये भी गलत ही है, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए इसको सन्ड्री डेटर्स, क्या लिखना चाहिए
सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स सिर्फ लिखेगा तो सिर्फ एक व्यक्ति माना जाएगा, और सन्ड्री डेटर्स लिखेगा तो बहुत सारा व्यक्ति माना जाएगा। तो 16,000 कोई एक व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति मिलके कितना आपका, या बहुत सारे डेटर्स मिलके कितना बना आपका 16,000। किसी से 2,000 लेना होगा, किसी से 5,000, किसी से आपका 1,600, किसी से 3,000, तो सबको मिला के सन्ड्री डेटर्स होना चाहिए। कितना? 16,000, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का मेंशन किया है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा डेटर्स, तो आप क्या लिख देंगे, सन्ड्री डेटर्स, तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो सबसे पहले बोलता है 16,000 में 1,200 क्या हो चुका है, बैड डेट्स। तो 16,000 में 1,200 बैड डेट्स हो चुका है, अच्छी बात है, लेकिन पहले से तो आप प्रोविजन किए हुए हैं ना कि भैया 16,000 में 800 डूबने का संभावना है, 16,000 में 800 क्या है, डूबने का संभावना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप किए हुए हैं। तो यहाँ पर डूबा कितना है पैसा, 1,200, तो आपका फाइनली इफेक्ट कितना पड़ेगा आपका, मात्र 400। बात समझ रहे हैं ना, 800 तो आपने पहले से मान ही चुका है कि 16,000 में 800 मिलने वाला नहीं है, अच्छी बात है। घटाने के बाद आप फाइनली डेटर्स कितना मान रहे हैं, 15,200, ठीक है। यहाँ पे बोलता है 1,200 मिलने वाला नहीं है, तो 800 तो ऑलरेडी क्या किया आपने, प्रोविजन कर दिया है, तो यहाँ पे फाइनली आपका बैड डेट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैड डेट्स। यहाँ पे बैड डेट्स कितना हो जाएगा, देखिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ, 1,200 हुआ ना, 1,200 और 800 तो आपने पहले से क्या किया, प्रोविजन कर दिया है, 800 आपने पहले से प्रोविजन कर दिया है, तो फाइनली इफेक्ट कितना पड़ेगा आपका, 400। अगर ये प्रोविजन नहीं रहता ना, तब यहाँ पे 1,200 का 1,200 हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसको ध्यान से, बोलता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, यानी जो आपका डेटर्स पे जितना प्रोविजन है ना, जिस रेट से, उतना अभी भी आपको रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका डेटर्स था कितने का, 16,000 का, और प्रोविजन कितना किए हैं, 800, तो आपको निकालना पड़ेगा कि जो आपका 800 है वो 16,000 का कितना परसेंट है। तो देखिए उसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ, सब वर्किंग नोट में दिखाइएगा, जगह का थोड़ा कमी है ना, तो मैं यहीं पर लिख के समझाने का कोशिश करता हूँ। क्या लिखिएगा, वर्किंग नोट्स, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कट हो गया है, हो सके देखने में दिक्कत होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपका सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन फॉर, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर आपका क्या था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम भी शॉर्ट में लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन, ऑन, ऑन क्या लिखेंगे, सन्ड्री, ऑन क्या लिखेंगे, किस पर निकालना है, सन्ड्री डेटर्स पे ना, तो लिखेंगे सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है जी। क्या लिखे हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो आपका देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिख के बताना चाहूँगा, सिंपल सा है, आप लोग जानते होंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनटू 100 बाय क्या हो जाएगा, सन्ड्री, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ये फार्मूला क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज, क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनटू 100 बाय सन्ड्री डेटर्स। तो देखिए परसेंटेज निकालिए, क्या निकालिए, परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे, अब पूरा नहीं लिखेंगे, जगह कमी है, परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है आपका, 800, कितना है 800 इनटू कितना हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 16,000, कितना हो जाएगा आपका 16,000। तो आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये अभी आपका कट गया, कितना से, 1 शून्य से 1,685, यानी कितना हो गया आपका 5%, कितना हो गया आपका 5%। कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 है वो 16,000 का कितना परसेंट है, 5%, कितना परसेंट है, 5%। तो 5% अभी है, और अभी भी आपको 5% क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा,
अब यहाँ पे पहले इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, तब इसको क्या करूँगा मैं मिटाऊँगा, थोड़ा जगह का कमी है ना, तो पहले आप क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5% मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब इसको क्या करता हूँ मैं, मिटा देता हूँ ना, इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब डिजिटल बोर्ड नहीं ना है कि क्या करें, स्वाइप करके क्या करें आगे कर दें। आने वाले समय में आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या हुआ, आपको प्रोविज़न निकालना है, क्या निकालना है, प्रोविज़न। अब हमको क्या निकालना है, प्रोविज़न फॉर, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या निकालना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, और क्या बोलते हैं, एट एग्जिस्टिंग रेट, एट एग्जिस्टिंग, एड एग्जिस्टिंग, एड एग्जिस्टिंग रेट। ठीक है, अब क्या हुआ, हम निकालेंगे क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स एट एग्जिस्टिंग रेट। तो हम लोग निकालिए प्रोविज़न, प्रोविज़न निकालने से पहले हम लोग क्या निकाल लें, रिमेनिंग डेटर्स, क्या निकाल लें, रिमेनिंग डेटर्स, कि आपका रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा, उसी का ना प्रोविज़न करेंगे। क्या निकालेंगे, रिमेनिंग, रिमेनिंग, रिमेनिंग डेटर्स, कितना डेटर्स बचा है, था कितने का, 16,000 का, था कितने का, 16,000 का, और 16,000 में बोलता है कितना, 1200 क्या हो गया आपका, राइट ऑफ हो गया, मतलब 1200 डूब चुका है, तो बचा कितना आपका, 14,800 ना, चलिए 16,000 हो गया, 16,000 में लेस कर दीजिए कितना, 1200, तो बचा कितना, 14,800, कितना बचा, 14,800। अब बोलता है 14,800 का 5%, क्योंकि 5% बोलता है ना एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट कितना है, 816,000 का कितना परसेंट है, 5%, और रिमेनिंग डेटर्स कितना बचा, 14,800, 16,000 में 12,000 तो बैड डेट्स हो चुका है, 14,800, तो फिर इसका भी 5% आप प्रोविज़न रखना पड़ेगा, है ना, तो लिखेंगे कि आप प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर, प्रोविज़न फॉर क्या लिखेंगे, डाउटफुल डेट्स। तो देखते जाइएगा 14,800 का कितना परसेंट, 5%, क्योंकि 5% ही ना एग्जिस्टिंग रेट है, तो उसका भी 5% निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका हो गया 14,800 का कितना परसेंट, 5%, 740, कितना है आपका, 740, तो आपका 14,800 का 740 कितना परसेंट है, 5%, एग्जिस्टिंग रेट क्या करना है, प्रोविज़न रखना है, मैंने रख दिया। तो बताइए ये जो डूबने का संभावना है, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया ना, इसको भी क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड में, तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया आपका, 740। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़िया से क्या कीजिएगा, दो बार तीन बार देखिएगा, सारी बातें समझ जाइएगा। जैसे 16,000 का कितना परसेंट है, 5%, एग्जिस्टिंग रेट ही ना है, 800 जो है वो 16,000 का कितना परसेंट है, 5%, और बोलता है कि आप एग्जिस्टिंग रेट क्या करें, फिर से क्या करें, मेंटेन में रखें, यानी जितना डेटर्स बचा उसका 5% फिर से प्रोविज़न करें, तो आपका रिमेनिंग डेटर्स निकालें, 16,000 में 1200 क्या हो गया मेरा, डूब चुका है, बचा 14,800 का कितना, 5%, 740, तो मैंने फिर से क्या किया, प्रोविज़न कर दिया। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अगर न्यू बैलेंस शीट बने, अगर न्यू बैलेंस शीट बने, ये तो आपका बन चुका है ना, अगर न्यू बैलेंस शीट बने तो देखिए यहाँ पे बताऊंगा कितना कितना अमाउंट लिखाएगा। अगर न्यू बैलेंस शीट बनेगा ना, तो डेटर्स यहाँ पे लिखा जाएगा 14,800, डेटर्स कितना लिखाएगा, 14,800, और प्रोविज़न कितना लिखा जाएगा आपका, 740, प्रोविज़न कितना लिखा जाएगा, 14,000, न्यू बैलेंस शीट बोल रहे हैं, ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद न्यू बैलेंस शीट बनेगा ना, तो आपका डेटर्स कितना दिखाई पड़ेगा, 14,800, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिखाई पड़ेगा, 740, तो 14,000 का 740 कितना परसेंट कहलाएगा मेरा, 5%, और उसी तरह से 16,000 का जो 800 कितना परसेंट कहलाएगा, 5%, तो मैंने 5% क्या किया, दोनों रिजर्व किया है ना। आई होप आप सारी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखिए अब आगे वाला देखते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब कौन हो गया, तीसरा, बोलता है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 1260, स्टॉक क्या हुआ रिटर्न डाउन, मतलब कम गया कितना से, 1260 से, तो लॉस हो गया ना, तो डेबिट साइड में लिखिए, क्या लिखिएगा, टू क्या लिखिएगा, स्टॉक कितना, टू स्टॉक कितना लिखेंगे हम लोग, 1260, कितना लिखेंगे, 1260। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है,
स्टॉक भी हो गया 1260, लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज बाय 9800, लैंड एंड बिल्डिंग 9800 से बढ़ गया, तो प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे इधर, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए कितना से बढ़ गया आपका, 9800 से, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया 9800 से, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू 34000। एक बात समझिएगा, यहाँ पे वाई वर्ड है और यहाँ पे टू वर्ड है, इसको समझिएगा। वाई बढ़ रहेगा मतलब उतना से बढ़ा दे या घटा दे, अगर वाई बढ़ रहेगा तो उतना से बढ़ा दे या घटा दे, और टू बढ़ रहेगा तो उतना अमाउंट आप कर दें। बात समझे ना, वाई बढ़ रहेगा तो उतना से बढ़ा दे या घटा दे, और टू बढ़ रहेगा तो उतना अमाउंट आप कर दें। तो यहाँ पर बोलता क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी टू मतलब 34000 कर दें। तो आप देखिए प्लांट एंड मशीनरी था कितने का, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 35000 का, और बोलता है 34000 पे दिखाइए, तो 1000 कम गया तो लॉस हुआ, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना से आपका 1000 से, राइट। प्लांट एंड मशीनरी कितना से हो गया आपका 1000 से, क्यों, 35000 था, बोलता है 34000 कर दो। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और है ना, बोलता है सिक्स में, एन अमाउंट ऑफ ₹1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। बहुत अच्छा ये बता रहा है, बोलता है सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है, 15000 आपको देना है, ठीक है, जिसमें से बोलता है ना कि 15000 में 1600 रुपया आपको देना नहीं है, मतलब 15000 में 1600 रुपया आपको देना नहीं है, ठीक है, नहीं देना, नो लॉन्गर पेबल बोल रहा है ना, मतलब देना नहीं है। तो भैया अच्छा बात है कि 15000 में से 1600 नहीं देना है, तो अच्छा बात है, प्रॉफिट हो गया। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, तो बाय लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, कितना नहीं देना है 1600, कितना नहीं देना है 1600, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, उसके बाद बोलता क्या है कि आप प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सारा मैंने क्या किया, जो भी एडजस्टमेंट था उसका पोस्टिंग कर दिया, अब मैं प्रॉफिट लॉस निकाल के बताता हूँ। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं आपको निकाल के दिखाते हैं, और पार्टनर्स के बीच बांट के भी क्या करते हैं दिखाते हैं। बस आप कॉन्सेंट्रेशंस और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आएगी। कॉपी पे बना बनाया ला के समझाना नहीं ना है, सब कुछ आपके सामने बनाते हैं, एक एक बात को समझाते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले चेक कीजिए किधर का अमाउंट ज़्यादा है, तो हमको तो लग रहा है क्रेडिट का ही अमाउंट ज़्यादा है, 9800 और 1600, यानी हो गया 11400, ये भी हो जाएगा 11400, 11400 में लेस कीजिए 400, फिर कितना लेस कीजिए 740, ठीक है, फिर 1260, और फिर कितना कीजिए 1000, ठीक है, तो आपका कितना आया 8000, 8000 मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट, 8000 क्या आ गया, प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए लिखेंगे टू प्रॉफिट क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा इधर हो गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, एक्स वाई जेड, तो एक्स कितना प्रॉफिट था, 8000 था ना, कितना निकाले हैं अभी, 8000 ना, 8000, अब 8000 का कितना हो जाएगा देखिए, 5/10, तो 5/10 लिख देते हैं, तो हो गया 8000 का 5/10, यानी कितना आया 4000, इसका कितना आया आपका 4000, x हो गया ना, फिर हो गया y का भी 8000, और फिर कितना होगा 3/10, तो हो गया 8000 गुना 3/10, ठीक है 2400। उसके बाद हो गया x y और कौन हो गया आपका z, फिर हो गया 8000 का कितना 2/10, तो 1000 8 दूनी कितना हो गया 16, ठीक है। तो इस तरह से
जो टोटल 8000 था मैंने क्या किया, मार दिया किसमें, एक्स वाई जेड में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आपका एक्स का आया 4000, वाई का 2400, जेड का कितना है आपका 1600। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।